हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का यह वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे सर्च एबल ड्रॉप डाउन, यानी कि हम एक ऐसा ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सिटीज आएंगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टेट के नाम लिखे हुए हैं मैंने ऊपर, और इसे येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है, और उसके नीचे उससे रिलेटेड सिटीज हैं, लाइक यूपी की सिटी है देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, और यहाँ एमपी की सिटीज हैं इटारसी, भोपाल एटसेट्रा, और फिर यहाँ पटना की सिटीज हैं रक्सौल, पटना, बिहार की सिटीज हैं पटना, रक्सौल, सिवान, छपरा, ईटीसी। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है। यहाँ पर अगर मैं ये बिहार सेलेक्टेड है, यूपी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जाऊंगा तो यूपी से रिलेटेड सिटीज के नाम आएंगे, लाइक देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, ठीक है। और अगर मैं यूपी से हटा देता हूं, इसको एमपी कर देता हूं, तो आप देखिए एमपी से रिलेटेड सिटीज के नाम आएंगे, लाइक इटारसी, भोपाल, ठीक है, सतना, मैहर। अब देखिए यहां पर अगर मैं फिर चेंज कर देता हूं, ठीक है, अगर बिहार कर देता हूं, तो फिर देखिए फिर ये इस तरीके से आने लगेगा। तो इस तरह का एक ड्रॉप डाउन हमें बनाना है। कैसे बनेगा आइए चलिए देखते हैं। ये डेटा सिर्फ मैं कर लेता हूं कॉपी, ठीक है, इसको यहां से सिर्फ कॉपी किया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं कॉपी किया, यहां पे सिर्फ इस डेटा को कर रहा हूं कॉपी। तो ये कॉपी कर लिया हमने ये डेटा, ठीक है। अब यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर जाइए, कोई फॉर्मूला नहीं, यहां पे कहीं भी फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। अब यहां पे क्या करता हूं, लिख लेता हूं स्टेट, ठीक है, और यहां पे सिटीज लिख लेता हूं, एस आई टी आई एस, ठीक है, सिटीज, ये स्टेट है इस तरीके से। और इसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं, यहां से जाकर के ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक ये कलर दे देता हूं, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपको ये इस तरह से डेटा को लेना है सिलेक्शन में, देखिएगा आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, ठीक है, और तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये पूरा डेटा सेलेक्ट ना हो जाए। डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब हमें जाना है सीधा फॉर्मूलाज पर। ये जो फॉर्मूलाज दिख रहा है, यहां पर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहां पे मिल जाएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहां पर टॉप रोज लिखा हुआ है, ऊपर देखिए टॉप रो पे टिक भी है, और इसी पे टिक रहने देते हैं और यहां से ओके प्रेस कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या मिला हमें, इसका फायदा ये हुआ कि यहां पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें ये स्टेट के नाम आएंगे। अब मान लीजिए यूपी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यूपी के सारे रिलेटेड जगहों के नाम हाईलाइट हो गए, अगर मैं यहां से बिहार सेलेक्ट करता हूं तो बिहार के हो गए, और अगर एमपी सेलेक्ट करता हूं तो एमपी के हो जाएंगे। ये फायदा हो गया इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमें एक ड्रॉप डाउन बनानी है जिसकी मदद से हम स्टेट के नाम लेके आएंगे। तो यहां पे रखिए क्लिक और चलिए कहां, डेटा टैब पर, और डेटा टैब पे जाने के बाद यहां से डेटा वैलिडेशन पे जाना है इस तरीके से, और यहां पे लिस्ट बना दीजिए, ये जो है ना लिस्ट कर दीजिए इसको, और लिस्ट करने के बाद यहां पे क्लिक रखिए और ये पूरा डेटा कर लीजिए सेलेक्ट, बस हो गया काम, और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है स्टेट के नाम आएंगे, आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्लिक करना है माउस से और फिर कहां चलना है, वापस से चलना है डेटा वैलिडेशन पर, और यहां पर आ जाइए फिर डेटा वैलिडेशन पर और एनी वैल्यू को बना दीजिए लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला याद है मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट का, वो फॉर्मूला आपको कर लेना है यूज। कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू इन डायरेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट लगा दिया और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करा, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये जो स्टेट है ना इसी पे क्लिक कर दीजिए आप। अब होगा क्या इससे कि इस स्टेट के अकॉर्डिंग यहां पे सिटीज आएंगी, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं पहले फिर देखते हैं, ये क्लोज किया हमने और ओके प्रेस किया, एरर ले रहा है, तो ये इस तरीके से कर दिया हमने। अब यहां पर जब जाएंगे तो देखिए यहां यूपी सेलेक्ट किया, अब देखिए यहां पे आएंगे तो यहां यूपी के ही आपको जगहों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे जाता हूं और यहां से एमपी सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर आपको एमपी से रिलेटेड जगहों के नाम आएंगे, ठीक है, और फिर अगर यहां पे जाता हूं और यहां पर बिहार सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर बिहार से रिलेटेड जगहों के नाम आएंगे, ठीक है। करता हूं, बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।